दर्शक भी नमस्कार, मैं हूँ राधेश्याम पटेल और आप लोग देख रहे हैं घंटाघर टेलीविजन। और ये जो बीरगंज रक्सौल नाका के बीच में एक आईसीपी कह के नाका है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, इसको एकीकृत जांच चौकी कहा जाता है, जो व्यापार इंडिया नेपाल के व्यापार के नाका है। इधर से पहले गाड़ी और माल सामान बोका हुआ सवारी साधन ही सिर्फ जाता था, लेकिन अभी एक हफ्ता से नेपाल में जो फंसे हैं इंडियन, वो सब लोग को ये नाका से इंडिया फिरता किया जा रहा है। इसमें इंडियन एम्बेसी और नेपाल के प्रशासन से मिल के नेपाल के विभिन्न जिला में जो फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर यानी कि भारत बैठाने का काम जो है चल रहा है। इसी संदर्भ में देखिए, अभी आईसीपी के मूल गेट पे अभी भी आपका करीब 1000 से ज्यादा लोग जो इंडियन हैं इधर अभी बैठे हुए हैं, अलपत्र पड़े हुए हैं। और देखिए ऐसे कैसे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कपड़ा सर सफाई नहीं हुआ है, नहाए नहीं है, ठीक से खाना नहीं मिला है, ऐसे हालात है। सबका अपना घर का याद आ रहा है, सब घर परिवार के पहुंचने की राह देख रहे हैं। इसी संदर्भ में कुछ इंडियन साथी लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम है राम ब्रिज सदाए। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हुए? सर मैं मधुबनी से रहने वाला हूँ, मधुबनी जिला, घर भतौरा है। अच्छा जी, मेरे गांव का नाम भतौरा है और जिला मधुबनी है, बिहार राज्य। अच्छा, आपका उम्र कितना हुआ? सर मेरा 35 साल। कितना दिन से कहाँ पे थे अभी? सर मैं भक्तपुर जिला काठमांडू में 5 माह से काम कर रहा था, भट्टा कंपनी, ईटा कंपनी। अच्छा, ईटा उद्योग जी। अब जा रहे हैं घर? जी सर, कल बस में आया था तो रास्ते में बहुत पुलिस वाले ने चेक पोस्ट पे रुक रुक के रखा, एक दो घंटा, कोई एक घंटा, कोई बोला घूम के जा काठमांडू, कोई पोस्ट पुलिस वाला क्षेत्र का छोड़ दिया था, ऐसे करके आया सुबह। अच्छा, आप घर जाने के लिए कितना दिन से ट्राई कर रहे थे? सर जाने के लिए सर ऐसा है ना कि मेरा जो काम है ऑलरेडी 29 तारीख को काम खत्म हो गया मेरा, और 30 को मैंने वहाँ से बस पकड़ा और मैं 31 को यहाँ पहुँच चुका हूँ। जब यहाँ आया तो मालूम हुआ कि जो पहले से यहाँ आदमी है उनको पहले भेजना है, उसके बाद जो आज आया है उसका कल हम बात करेंगे। ऐसे बात जो यहाँ पे चार्ज है, हम तो नाम भी नहीं जानते हैं उनका, एक सरदार जी है, उन्होंने हमको बताया कि आप लोग कल जाएंगे। अब जी ऐसा है कि कल भेजेंगे तुम लोग को, तुम्हारा नंबर ही कल ही आएगा, आज तुम्हें साइड में होगा। अच्छा, तो हम लोग साइड में थे, फिर बाद में बोला क्या। आइए, एक बुजुर्ग आदमी है उनसे भी मैं बात करने चाह रहा हूँ। आपका नाम बताइए। चौथी राम। कहाँ घर हुआ? दरभंगा जिला मानी। कहाँ पे आप फंसे हुए थे नेपाल? काठमांडू। कैसे आए हैं काठमांडू से? काठमांडू तक करीब 3 महीना से बैठ करके खा रहा है, आज गांव खुलेगा तब खुलेगा, नहीं खुला, सवंती में पैदलहू आने लगा तो घोड़ा दिया, घोड़ा के बाद में अंतिम में ये कागज थाना में बना करके तब बस करा, वह बस रोक दिया, रास्ते में घुमा दिया हथौड़ा से, घुमा दिया, फिर वैठन से पैदले खिसिया करके आने लगा। आप लोग के ग्रुप में कितने आदमी हैं? बहुत आदमी है। ऐसे आप लोग ऐसे जमावड़ा करके रहे हुए हैं, कहीं आप लोग के बीच में ही कोई कोविड का अगर मरीज है उससे आप लोग को भी बीमारी सरने का जोखिम है? नहीं नहीं है, नहीं। तो लेकिन दूरे बना के रहने से सुरक्षित घर जाने के लिए आप लोग को मैं आग्रह करना चाहूंगा, यहाँ का परेशानी क्या है, घर परिवार से कितना आप लोग मतलब क्या कहना चाहते हैं अपने घर परिवार से, जो लोग वहाँ पे आपके चिंता में हैं, बच्चे लोग चिंता में है कि अपना अपना मरण के लिए सब चिंता कर रहा है, फांसा हुआ है, यहाँ तक कोई पता ना, हम यही। मोदी जी से क्या कुछ कहना है? मोदी जी तो आरोप पेड़ करके खा गया, कहा आज खुलता है कल खुलता है, टीवी में हम देख रहा है, लेकिन खोल कहाँ रहा है। एक और व्यक्ति हैं हमारे साथ, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। अपना नाम बताइए। राम बाबू पासवान। घर कहाँ हुआ? दरभंगा। क्या है, कितना दिन से आप लोग भूखे हैं, खाए नहीं है? सर हम लोग को यहाँ खाने के लिए कोई नहीं देता, ठीक है, और खाना भी आता है इतना लेन लगता है कि लेने में खाना खत्म हो जाता है, कितना आदमी खाएगा सर उतना खाना में, उससे अपना पैसा भी फंसा तो खाना सही नहीं मिलता है यहाँ पे, क्या करते हैं चाय वगैरह ये सब बिस्किट खा के गुजारा करना पड़ता हम लोग के यहाँ पे। और जहाँ फंसे थे वहाँ गाड़ी मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है सर,
वहाँ हम लोग को चोट थोड़ा बहुत लगा, और वहाँ से दूसरे गाड़ी में हमको ट्रांसफर किया तो आधा रास्ता पहाड़ में ही छोड़ दिया। वहाँ का नेपाल का पुलिस वाला हम लोग को आने नहीं दिया और बोलता है इधर जाएगा तो मारेंगे तुम लोग को। आप कितना दिन से यहाँ पे ICP के गेट पे फंसे हुए हैं? आज 5 दिन हो गया सर हम लोग को यहाँ। आप क्यों नहीं जा रहे हैं? बाहर से जो काठमांडू से जो लोग आ रहे हैं वो तो जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब सर उतना लाइन में गेट पे आते आते आदमी पूरा हो जाता है, कहता है 400 कर दिए, मोदी जी बोला 400 लेना है 500 लेना है। हम लोग कितना भाई यहाँ पे फंसे हैं, चार आदमी 500 आदमी ऐसे भेजता है, ऐसे में कहाँ होगा सर? इतना दिन तो हम लोग को यहाँ महीना दिन भी लग जाएगा तो नहीं पूरा होगा, 200-300 आदमी भेजेगा तो। तो क्या कहना है भारत सरकार से, आप लोग क्या विनम्र अनुरोध करना चाहिए? भारत सरकार से यही कहना है कि हम लोग जितना भाई है यहाँ फंसे हुए हम लोग को भेजने का। आपका नाम बताइए। गंगा जाता। घर कहाँ हुआ? घर बाजी मनीराशी बलोद। उमर कितना हुआ? उम्र मेरा 68 बरस। क्या पीड़ा हुआ है लॉकडाउन ये कोरोना वायरस के लेके, और दोनों देश में अभी गाड़ी उड़ी नहीं चल रहा है, रेल, इसलिए हम लोग जनता मर रहे हैं सर। हम लोग को पैसा कौड़ी पैसा जो था वो सब सब सद गया, जहाँ भी काम किया वहाँ भी नहीं पैसा मिल रहा है सर। आप नेपाल में कौन जिला में फंसे हुए थे? हम ललितपुर जिला में थे सर। कैसे आए हैं वहाँ से? वहाँ से सब पासी बना दिया, बोला जो तुम लोग को वहाँ तक छोड़ देगा, यहाँ तक हम लोग आधे पहाड़ में छोड़ दिया, वहाँ से पैदल आए हैं सर। अच्छा। यहाँ आने के बाद गेट पुलिस लोग जाने नहीं दिया, फिर गाड़ी घुमा के ले जाता था तो हम लोग बलजोरी गाड़ी वाला को रोक करके हम लोग उतरे, उसके बाद आए हैं पैदले जंगले आए हैं सर। क्या कहें, यहाँ मजबूरी हम लोग इतना दिक्कत है, एक तो हुआ नेपाल सही हुआ है सबको साथ, हम लोग एक तो मजबूरी झेले नेपाल में सर, एक मजबूरी यहाँ आए थे, अब यही देख रहे हैं सर, ऐसे भेजेगा सर कैसे होगा, कैसे जनता। दर्शक बिन देखिए कैसा माहौल है, कैसा हालात है यहाँ पे। सयो जो है इंडियन जो है फंसे हुए नेपाल में, इंडियन बॉर्डर साइड में, इंडियन जो रक्सौल और बीरगंज के बीच में ICP इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वहां तक आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से भी इंडियन गवर्नमेंट पर्याप्त मात्रा में बस की मुहैया नहीं कराने की वजह से ये लोग जा नहीं पा रहे हैं। खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की पानी नहीं है, रात में प्लास्टिक बिछा के बोरा बिछा के सोना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे शौचालय नहीं है, चर्पी नहीं है, जिसके चलते भी महिला भी है बच्चे भी हैं, कभी कभी बारिश भी हो जा रही है, ये सारा सब समस्या है, दिकदारी है। देखिए कैसे है घर लौटने की सबकी, किसी को बच्चा चला चेहरा पे देखिए सबकी कैसी मायूसी छाई है, और सब लोग अपने घर जाना चाहते हैं। और ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन सरकारी अधिकारी के समक्ष पहुंचे, मोदी जी के पास भी ट्विटर में इसको ट्वीट कीजिए, मेंशन कीजिए कि वो भी देखे ये वीडियो और कैसा हालात है, इंडियन लोग कैसे नेपाल में फंसे हुए हैं, ये सबको दिखाना जरूरी है दोस्त। अभी हम अब दिखा रहे हैं कि कैसे लोग कहाँ बैठे हुए हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब चीज का हम अभी वीडियो हम फुटेज दिखा रहेंगे। आप लोग हम ही लोग के साथ रहिएगा, वीडियो देखते रहिए। ऐसे हालात है, बहुत पीड़ादायी अवस्था है यहाँ का। दर्शकबिंद एक और शख्स है जो बहुत ज्यादा परेशानी झेलते हुए बीरगंज इंडिया बॉर्डर तक आए हुए हैं, अपना नाम बताइए। घर कहाँ हुआ? अच्छा, क्या दिकदारी हुई है? दिकदारी काठमांडू से आया है, 3 महीना हड़ताल है, बैठ के खाता है, न पैसा है न दौड़ी है, वहाँ से अब सरकार भेजा है, पिथौरा में आकर के गाड़ी को रोक दिया, वहाँ से हिल के आया पतलैया में पुलिस सब फिर दिलाया पिथौरा से फिर आया 3 बजे सामने यहाँ पतलैया में, फिर पुलिस वाला क्या किया, रोड पकड़ के नहीं चलो। देखिए यहाँ पे सवारी का पास का जो है कागज वितरण होने लगा है, तो ये लोग अब कब जाएंगे? ऐसे देखिए, ऐसे इंडिया एंट्री करने के लिए यहाँ पे जो है पास मिल रही है और ये पास ऐसे वितरण हो रहा है। ऐसे है, ऐसे वितरण किया जाता है और ऐसे इंडियन गवर्नमेंट इंडियन एम्बेसी के तहत ये वितरण करके और ऐसे इन लोगों को बस से छोड़ा जाएगा, बस से इन लोगों को भेजा जाएगा इंडिया।
ऐसे देखिए कैसे माहौल है यहाँ पे, कैसे अफरा तफरी मच जाती है। एक आदमी को एक कागज मिल जाएगा तो वो लेके चला जाएगा और बस में बैठने के लिए अपना कागज पत्र वहाँ पे दिया है लोग, उसी के तहत यहाँ पे मिला है कागज। ये कागज आपको क्या मिला है थोड़ा दिखाइए तो, क्या लिखा गया है उसमें? भारतीय दूतावास CGI बीरगंज नेपाल शहर में से निकासी के लिए सहमति पत्र। ये कागज मिल गया, सही हो गया, इससे लेके आप जा सकते हैं। इससे लेके जा सकते हैं। आप कितना है, आपके फैमिली में कितना आदमी है? हम लोग 16 आदमी। 16 आदमी है, सब लोग चल जाएंगे कि एक आदमी जाएंगे इस कागज? हाँ, अभी तो पता नहीं, अभी एक में एक आदमी जाएगा ना 16 आदमी जाएगा तो मालूम नहीं, पता नहीं चला। आपका नाम क्या है? बाहर। कहाँ घर हुआ? हम लोग असम। असम कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे देखते हैं अभी कैसे जाएगा। बस से जाएंगे? बस से जाए, बस में जाए, बस से जाए। हाँ। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। कागज मिल गया? हाँ सर, कागज तो मिला। क्या कागज मिलने के लिए आप लोग क्या कुछ पहले से कागज दिए थे का? नहीं, कागज हम लोग दिए थे आज। हाँ। और हम लोग को साइन नहीं हुआ था। अच्छा, साइन मिला से दौड़ हो रहा। कैसे दौड़ खा रहे हैं आप लोग? सुबह से अभी तो साइन नहीं हो रहा था, क्या करेंगे? सूचना नहीं है क्या? इंडिया सरकार कुछ लेना देना नहीं बिहार, पानी नहीं देता है, पानी नहीं पीने देना, देना पानी नहीं पीने देना, कोरोना लग गया, कोरोना लग गया, भाई मर रहा है तो कभी मर रहा है, हुआ रात में चले नहीं देता, पुलिस वाला बोलता है जंगल में जंगल मार दे रहा है, इंडिया में जाने जाने दे रहा है, कोरोना लग गया। अच्छा अच्छा, जैसे मारा जैसे कहाँ टूटेगा, क्या होगा, नहीं कोई ठिकाना नहीं। अब जैसे कैसे मार रहा है, ऐसे माहौल है, भीड़ भाड़ का माहौल है। देखिए यहाँ पे कैसे छीनाजोरी हो रहा है, ऐसे देखिए यहाँ पे। बीरगंज रक्सौल नाका के ICP ये नाका से इंडिया वापसी करने वाले ये जमावड़ा है, भीड़ है। देखिए यहाँ पे महिला लोग भी फंसे हुए हैं। आप लोग का कागज मिल गया? मिल गया सर, साइन भी हो गया। अब चल जाएंगे? है? चल जाएंगे। कब जाएंगे? नहीं है सर, कल ही जाएंगे। भेज एड्रेस देंगे तभी जो हम लोग जाएंगे। बस आएगा तब जाएंगे। आएंगे तो सर, आज भेज जाते हैं इस लोग को, एड्रेस देंगे जाएंगे। अब आता है उसको भेजता है। चार दिन से फंसे, 3 दिन तो पहाड़ में पैदल आते आते। कहाँ पे थे आप नेपाल में? भील सिंह कोई जगह का नाम है, भील सिंह। हाँ, हमारा गाड़ी एक्सीडेंट हुआ। कौन जिला में थे आप लोग? जिला का नाम तो नहीं मालूम। भरतपुर से आए हैं? भरतपुर से आए हम। देखिए ऐसे। हाँ हाँ, और अभी जो हम सब 4 दिन से फंसे हुए, हम सबको नहीं भेजा, कोई सहयोग ही नहीं हो रहा और भूखे मार रहा है। कोरोना से तो बाद में मरेगा। इसी संदर्भ में एक महिला है हम लोग के बीच में, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। आप कहाँ से आई हैं? कितना दिन चल के आई हैं कि बस से आई हैं? चल के 4 दिन। 4 दिन के। नाम क्या हुआ, घर कहाँ हुआ? श्रीमती नाम हुआ, घर कहाँ हुआ? क्या दिक्कत हुआ रास्ते में? दिक्कत बहुत है, लेकिन अब क्या? बच्चा उच्चा सब लेके आई हैं? कहाँ काम करती थी वहाँ पे? ईटा भट्टा में। तो इंडियन सरकार से क्या कुछ कहना चाहती हैं? देखिए ऐसे बीच बीच में लाठीचार्ज भी हो रहा है, कागज मिलने के लिए ये सब चीज। जी बोलिए। पैसा भी नहीं है, खाना भी नहीं है, बैठने को जगह भी नहीं है। ऐसे देखिए कि ठीक से सोए भी नहीं है, जो जहाँ है वैसे ही सोए हुए हैं। खाना नहीं है, पानी नहीं है, बॉर्डर में फंसे लोगों का ये हाल है। देखिए यहाँ पे ये अलौ गांव एक तरफ पड़ता है, अलौ गांव का दुकान है ये। इंडिया से ट्रक जो है मालगाड़ी वगैरह सब लेके आ रहा है और यही सब जो है अभी नेपाल जा रहा है, और इधर से नेपाल से जो है टैंकर वगैरह जो है इंडिया जा रही है। ऐसे हालात है, देखिए आप
ये बच्चे देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन घर नहीं जा पा रहे हैं। देखिए इसमें बच्चे देखिए कैसे सो रहे हैं, ठीक से खाना पानी नहीं मिला है। देखिए कितना दुख में है, पीड़ा में है। यहाँ पे महिला पुरुष वयो वृद्ध सब है। आपका घर कहाँ हुआ, जिला कौन हुआ? दरभंगा। कहाँ से आए हैं आप? काठमांडू से। क्या दिक्कत है, कितना दिन चल के आए? दो दिन। देखिए इस बच्चे को देखिए कैसे सोया है ये। यहाँ पे भी एक आदमी सोए हैं, देखिए कोई साधन नहीं है इसलिए सो रहा है धूप में। हाँ ऐसे देखिए सब लोग राह देख रहे हैं कि जे कब हम लोग इंडिया जाएंगे। ऐसा हालात है, ऐसा कंडीशन है। देखिए मित्र बहुत बुरी हाल है ये। देखिए सब अपना बोरा झोरा सब लेके यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसे देखिए लोग यहाँ पे भी कुछ आदमी बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ? रणजीत। इनरजीत रणजीत। कहाँ से हुए आप? हम सर आए बस्ती जिला यूपी से। यूपी से। कहाँ पे काम करते थे? काम करते थे इधर नितनपुर। घर जा रहे हैं? कैसे आए हैं यहाँ पे, पैदल आए हैं कि गाड़ी? पैदल आए सर, कुछ दूर से आए। अच्छा यहाँ का व्यवस्था कैसा लगा आप? ठीक है। खाने पीने का कोई दिक्कत? यहाँ के लोकल दुकान में भी कुछ समस्या है कि क्या है? आप लोग कहाँ से हुए? साथे हैं। ऐसे ऐसे समस्या है। आपका नाम बताइए जी। क्या चीज का दुकान है ये? खाना था। खाना फ्री में? कितना दिन से खिला रहे हैं आप लोग? 14 दिन से। कौन ये वाडा अध्यक्ष जी है उनकी तरफ से कि गांव वाले की तरफ से? हाँ। कितना आदमी का रोज खाना बनता है? कितना दिन से खाना बन रहा है? 14 दिन। 14 दिन से। इतना करने के बावजूद वे भी खाना पानी नहीं मिल रहा है कह के लोगों का कंप्लेन है। देखिए समस्या तो समस्या है। भारत के लोग आगे व्यवस्थापन करने में भी प्रॉब्लम हो, फिर भी अलाउ वासी हरिजन समाज श्रीसिया वासी लोग मिलके ही चला रहे हैं। अच्छा ऐसे करने से कहीं ये दोनों गांव भी जोखिम में है, यहाँ के लोगों भी जोखिम में है, यहाँ के दुकानदार भी जोखिम में है कि कहीं उनमें भी लगा हुआ जो बीमारी है हम में पट जाए। इसके चलते कोई पानी ठीक से नहीं बेच रहा है, खाना ठीक से नहीं बेच रहा है, चाउचो ठीक से नहीं बेच रहा है, जिसके चलते भी समस्या हो रही है। क्या कहना चाहिए? कोनो खास बात नहीं है। ना कोनो खास बात नहीं है और भविष्य में जो आज सामना कर जाए, लेकिन आज सेवा के विजन से आगे बढ़। चलिए ऐसे यहाँ के जो लोकल गांव है, गांव के जो अगुआ लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग अपना हिसाब से सब लोगों का खाना खिला रहे हैं। इसी में एक गांव के हमारे मित्र भी हैं, आशिक अंसारी जी। आशिक जी बताइए कि क्या है यहाँ का बंदोबस्ती, कैसा चल रहा है? और लगभग हम लोग 15 दिन से व्यवस्था किए हैं। पहले दिन जब आदमी जब यहाँ पे आया, 150 आदमी आया, आने के बाद में वो लोग पूरा दिन रह गया, खाना नहीं मिला, रात को भी गुजार लिया, खाना नहीं मिला। सुबह होकर यहाँ बहुत सारा लोग रोने लगा लोग। उसके बाद में ये बगल में है दलित समुदाय के समाज है, वो लोगों ने जो घर में खाना बनाया था वो घर में नहीं खाकर उसको जो है ना जैसे पकाया था वो लेकर आकर खिलाने लगा। खिलाने के बाद में हम लोगों ने देखा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा घर में पकाया हुआ, तो हम लोगों ने घर घर से जो चावल दाल नून तेल जो भी उठा लेकर आकर यहाँ पे पकाना हम लोग शुरू कर दिए हैं।
अभी क्या दिक्कत है यहाँ पे आप लोगों के? यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर नगर पालिका से हम गुजारिश करेंगे कि अगर विदर्भ महानगर पालिका और आकर जैसे सुलभ शौचालय होता है, कुछ निर्माण कर देता है, तो इसके अगल बगल के जो गाँव को बस्ती है वो गंद फैल रहा है, उससे कुछ राहत होता, ये हमारा आग्रह करते हैं। सबसे जरूरत की चीज वो है टॉयलेट का जो यहाँ पे नहीं है, तो सब सारा लोग जो है ये जो जगह खुला जगह है इसी पे सब शौच कर रहा है लोग, तो इसके लेकर दोनों ये गांव का जो है वातावरण बिगड़ रहा है, क्योंकि ये जो बदबू है इसका इससे कुछ महामारी फैल जाए, ये इसको लेकर हम लोग चिंतित है। चलिए यहाँ पे देखिए, अभी पानी रखा गया है यहाँ पे, पकौड़ी छाना रहा है गैस से, ऐसे पकौड़ी बन रहा है। पकौड़ी कितना में है? पाँच रुपए का दो गो पकौड़ी ऐसे 5 रुपए का 2 गो पकौड़ी बिका रहा है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे पानी कैसे रखा गया है, लोग कैसे यहाँ पे बिस्कुट चाउ आपका सब सामान जो है यहाँ पे खरीद रहे हैं। आप क्या क्या रखे हुए हैं बिक्री के लिए? ये भोला है, करंट है, चाउ है। अच्छा, यहाँ पे सैनुल भी खुल गया है, सैनुल भी है यहाँ पे, सैनुल में केस भी काटने का काम जो है चल रहा है। कितने जने हैं आप लोग? 3 आदमी। कब से कब तक आप लोग ये काट रहे हैं केस? सुबह में और सांझ में। ऐसे सुरक्षा अपना के केस काटने का भी काम चल रहा है, ऐसे लाइफ स्टाइल यहाँ का चल रहा है। देखिए ऐसे ये सतुआ का दुकान भी है, सतुआ यहाँ ऐसे बेचा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे भूजा चाउचाउ, यहाँ पे पकौड़ा ऐसे रखा गया है, नाश्ता का दुकान भी है, ऐसे यहाँ पे नाश्ता का दुकान भी है, ऐसे लोग खाया जा रहा है। ये होटल है, होटल में यहाँ पे चाय भी बन रहा है। देखिए यहाँ पे कितना दिन से चला रहे हैं होटल? आज से शुरू किया है। आज से कितना है भीड़ भाड़? बहुत ज्यादा है भीड़, यहाँ लोग आया है, मान लो कुछ व्यवस्था नहीं है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा चालू किया हम लोग सेवा से। सामाजिक सेवा के हिसाब से जोखिम में रह के भी काम कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे चाय बन रहा है, गरम गरम चाय बन रहा है। जी जी, इतना आदमी चार 5 आदमी है। देखिये यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, इधर देखिए, इधर बच्चा लोग नहा रहा है, नहाने का काम इधर चल रहा है, धारा जो है धारा पे बच्चे लोग नहाने का काम इधर चल रहा है। यहाँ पे देखिए अभी बच्चे